हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ शीना मेयर। UPSC के द्वारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है EPFO, EO, AO की और EPFO, APFC की। EO, AO में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 418, और यहाँ पे इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। यहाँ पे जो APFC की टोटल हैं, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, टोटल वैकेंसीज हैं 159। APFC के लिए जो एज लिमिट है ना वो है 35 ईयर्स, और सिलेबस भी बता दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिलेबस को बदला नहीं गया। EPFO, EO का सिलेबस, EO, AO का सिलेबस भी सेम है। ये एग्ज़ाम ना 2021 में हुआ था और इसकी नोटिफिकेशन 2020 में निकली थी, ओके। APFC का एग्ज़ाम ना 2016 में हुआ था। दोनों का सिलेबस यहाँ पे सेम रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप बात करेंगे जो EO, AO के लिए सिलेबस है वो देखिए, सिलेबस सेम है। सोशल सिक्योरिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप सिलेबस देख सकते हैं, सेम है। जैसे 2020 में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी तब जो सिलेबस था सेम सिलेबस है। जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटिक एंड इकनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पे APFC का सिलेबस देखते हैं, वन सेकेंड। ये है APFC का सिलेबस। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये सिलेबस भी बिल्कुल सेम है जैसे 2016 में था। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस। इनमें ना, इन दोनों के सिलेबस में ना लिटिल बिट डिफरेंस है। जैसे पहले था सेम है, ओके। इंश्योरेंस नाम का वर्ड ना EO, AO के सिलेबस में नहीं है, ओके। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, एक दो और चेंजेस हैं जो APFC में है वो EO, AO में नहीं है। तो ये एक अच्छा मौका है, ग्रेजुएशन बेस है दोनों एग्ज़ाम, तो हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप जल्दी से इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं इसे फिल कर दो। लास्ट डेट पे बिल्कुल भी मत करना, तब वेबसाइट बिजी हो जाती है। सो ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।